हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ कुछ नए तरीके का खस्ता बनाने, जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं उस बनाने के तरफ। मैंने 500 ग्राम के लगभग आटे लिए हैं, जिसको मैं रिफाइंड 2 चम्मच डाल करके इसे मैं बड़े से बाउल में ले करके गूँथ लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने 1 चम्मच एक प्याज को कट करके डाल दिया है। बड़े से बाउल ले लें, उसमें सारे इन्ग्रीडियंट्स को, टमाटर मैंने डाल दिए हैं, हरी मिर्च है, इन सबको मैं अभी डाल दे दूँ। इसके बाद में मैं चाट मसाला डाल करके इसे मिक्स कर लूँगी, और मसाले और कुछ मैं इसमें बाद में डालूँगी। जब तक मैं आटा को देख लेती हूँ, जिसको मैं रेस्ट पे रखी हुई हूँ, उसे आप देख सकते हैं। ये आटे यहाँ मैंने आटे गूँथ करके रेस्ट के लिए रखे थे 2 मिनट के लिए। अब इसे मैं हल्का मिला लूँगी, और देख सकते हैं मिल चुके हैं। अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ कट कर ले, इसे कट करके इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल ले, देख सकते हैं। इसमें थोड़ी सी रिफाइन लगा ले, जिससे चिपकेगा नहीं। मैं आटे का यूज इसमें नहीं करूँगी। देख सकते हैं मैंने छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल ली है। अब मैं इसे तलने जा रही हूँ। इधर मैंने गैस ऑन कर लिया है, तेल भी गर्म हो चुके हैं, देख सकते हैं तेल गर्म है। अब मैं इसमें पूड़ियाँ तलूँगी, अब इसी तरह तल लें। देखिए कितनी अच्छी फूल रही हैं। अब भी इसी तरह तेल परफेक्ट गर्म है। एक बार 2-3 ना डालें, एक एक करके बारी बारी से डालें, ये अच्छे से फूलेंगी। मेरी तरह ही आप लोग भी ला सकते हैं। मेरी हल्की की गुलाबी होने लगेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने पूरियों को अच्छे से तल लिए हैं। और इसमें अब जो इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स किए थे, उसमें मैं मिर्च डाल रही हूँ। अब भी थोड़ा सा मिर्च डालें, 2 चुटकी के लगभग, क्योंकि मैंने ग्रीन मिर्च का यूज किया है। 2 चुटकी के लगभग मैंने सफ़ेद वाली नमक डाल दिए हैं। अब इसमें मैं ये मिक्स कर लूँगी, ये नमकीन है, इसको मिक्स कर ले। बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मैंने 2 से 3 चम्मच के लगभग दही लिए हैं। अब आप देख सकते हैं ये ठंडे हो गए। बीच से इसे मैं थोड़ा सा फोड़ दूँगी। देखिए इस तरह भी सबको हल्का हल्का करके इसके अंदर मैं इंग्रेडिएंट भर करके आप लोग को खिलाती हूँ। ये मैं इसे फिल करूँगी, देख सकते हैं इस तरह भी इसको थोड़ा थोड़ा डाल करके। पूड़ियाँ हल्की भी गर्म है, देखिए इस तरह पूरा से भर ले। इसी तरह पूरे को मैं फिल करके खा रही हूँ। मैं इस पर थोड़ा थोड़ा सा मैंने फिल कर लिया है पूरे को, आप देख सकते हैं। इसमें हल्का हल्का सा दही डालते जा, देखिए इसे ही आप ही डालें, और इसे फटाफट गर्मा गर्म आप मिर्ची से गार्निश कर ले, और फैमिली के साथ इंजॉय करें। देखिए देख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर भी यूज कर सकते हैं, और इसे इंजॉय करें अपने फैमिली के साथ बरसात के टाइम में। ये ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी बन भी जाता है, ज़्यादा अधिक टाइम भी नहीं लगती, और टेस्टी का टेस्टी हो जाता है। ये बड़े बच्चों सबको बहुत ही पसंद आता है। प्लीज़ आप लोग भी बनाएं, और कैसा बना मुझसे शेयर करें।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।